जो गोल मटके होते हैं उनका पानी का टेस्ट अलग होता है, जो लंबे मटके होते हैं उनके पानी का टेस्ट अलग होता है। इसीलिए कम सरफेस टेंशन वाली चीजें बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। उनके पास ऐसा कमंडल होता था, आप देखेंगे इसका जो सरफेस एरिया है वह बहुत कम है। नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे देश की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पानी पीने के लिए लोटे यूज किए जाते थे, लोटे से पानी पीते थे, हमारे यहाँ ग्लास नहीं होते थे। भारत में ग्लास यूरोप से आए हैं और यूरोप में पुर्तगाल से। जब से हमारे देश में पुर्तगाली आए हैं तब से ही हमारे देश में गिलास यूज हो रहे हैं। हमारे देश में गिलास आने के बाद लोटे घर में मिलने ही बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि घर में सिर्फ सूर्य भगवान को जल देने के लिए लोग लोटे का यूज करते हैं और किसी यूज में लोटे को नहीं लेते हैं। अगर आप जानेंगे कि लोटे के कितने फायदे हैं और लोटे में पानी पीने के क्या फायदे हैं, इसके पीछे साइंस क्या कहती है, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि हमारे देश में जो भी चीजें यूज की जा रही हैं, साइंस अब धीरे धीरे इन सब के पीछे रिसर्च कर रही है, लेकिन हमारे देश में ये सारी चीजें हजारों सालों से चली आ रही हैं और इन सब का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में मिलता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि हमें लोटे का प्रयोग सिर्फ जल देने के लिए ही यूज नहीं करना, हमें लोटे का प्रयोग पानी पीने के लिए भी करना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके पीछे साइंस क्या है, हर कोई जानना चाहता है कि साइंस क्या है। लोटे से हमें पानी पीना चाहिए, गिलास का पानी नहीं पीना चाहिए, लोटे का पानी पीने से बीमारियों से बचा जा सकता है, इसके पीछे क्या साइंस है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और लोटे भी वो लेने होते हैं जो नीचे से गोल होते हैं, लोटे जो नीचे से गोल होते हैं हम उन लोटों की बात कर रहे हैं। लोटे एक रेखीय नहीं होते हैं और जो बर्तन एक रेखीय होते हैं उसकी कोई भी चीज खाने से वो शरीर में स्ट्रेस बढ़ाती है। जो लोटे होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए लोटों का सरफेस टेंशन भी कम होता है। क्योंकि जब हम कम सरफेस टेंशन वाली चीजें का इंटेक करेंगे वो हमारे शरीर में प्रेशर नहीं बढ़ाएंगी और शरीर से जो गंदगी है वो आसानी से निकल जाएगी। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, आप थोड़ा सा दूध लीजिए और आप अपनी स्किन पर या अपने फेस पर उसको अप्लाई कीजिए और फिर आप उसको कॉटन से साफ कीजिए, आप देखेंगे कि दूध के साथ साथ गंदगी भी बाहर आएगी। वो कैसे हुई है, क्योंकि दूध का सरफेस टेंशन सबसे कम होता है, वो है जो हमारी स्किन है उसके पोर्स हैं उनको खोल देता है और गंदगी बाहर निकल आती है। इसीलिए कम सरफेस टेंशन वाली चीजें बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। अब हम आते हैं लोटे में रखे हुए पानी को पीने से हमारे शरीर की गंदगी कैसे बाहर निकलती है। अब पहली तो बात, पानी का अपना कोई भी गुण नहीं होता है। अगर आप पानी को लोटे में रखते हैं तो वह लोटे का गुण ले लेगा, अगर आप उसको गिलास में रखते हैं गिलास के जो गुण हैं वो उस पानी में आ जाएंगे और लोटे के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे। अब गिलास होता है एक रेखे और लोटा एक रेखीय नहीं होता है, लोटे का सरफेस टेंशन कम है, इसीलिए लोटे में रखा हुआ पानी जब हम इनटेक करेंगे तो वह हमारी बॉडी में जाकर आंतों के सरफेस टेंशन को नहीं बढ़ाएगा, जिससे आंतें सिकुड़ेंगी नहीं, खुलेंगी, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होगा। ये पानी पीने से मेम्ब्रेन में जो गंदगी है वह आसानी से बाहर निकल जाएगी, इससे जब बॉडी से गंदगी बाहर निकल जाएगी तो बॉडी में कोई बीमारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि बॉडी में बीमारियां तभी होती हैं जब बॉडी में गंदगी जमा होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एक रेखीय बर्तन का पानी पीते हैं तो उसका सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा और जब सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, जब यह पानी आंतों में जाएगा तो आंतों के भी सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा, जिससे आंतें सिकुड़ जाएंगी, वो खुलेंगी नहीं, आंतें सिकुड़ जाएंगी, जिससे उनमें गंदगी अंदर ही जमा हो जाएगी और यही बीमारियों का मेन कारण होता है। इसीलिए अपने देश की सभ्यता के अकॉर्डिंग हमें लोटे का पानी पीना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास ऐसा कमंडल होता था, आप देखेंगे इसका जो सरफेस एरिया है वह बहुत कम है, इसीलिए इसका सरफेस टेंशन भी कम है और हम इसमें जो भी चीज रखेंगे, पानी रखेंगे, तो इसके जो गुण है वो पानी में आ जाएंगे और फिर हम जब इसका पानी पिएंगे तो बॉडी को क्लीन करने का काम करेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, बॉडी से गंदगी निकल जाएगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा इन चीजों, इन ऐसे बर्तनों में ही रखी हुई चीजों का प्रयोग करते थे। हमारे देश में मटके भी गोल होते हैं,
मटके भी लंबे आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले मटके गोल आते थे, उनका भी सरफेस टेंशन कम होता था, इसीलिए मटके भी हमें वही लेने चाहिए जो शेप में गोल होते हैं। कभी भी हमें लंबे मटके नहीं लेने चाहिए। आप देखेंगे जो गोल मटके होते हैं उनका पानी का टेस्ट अलग होता है, जो लंबे मटके होते हैं उनके पानी का टेस्ट अलग होता है, यही उसके पीछे रीज़न है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।